Now, today we are going to start with chapter number 12, some natural phenomena. Now, lightning and earthquake are two basic natural phenomena. ठीक है, ये सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है हमारे एनवायरमेंट के लिए भी और ह्यूमन लाइफ के लिए भी. ठीक है, तो हम बात करेंगे दो नेचुरल फिनोमिना, दैट इज लाइटनिंग और अर्थ. देयरफॉर इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइन प्रिंसिपल बिटवीन टू बिहाइंड दीज टू कैलामिटीज विच विल लीड इंक्लूड द कॉज एंड इफेक्ट. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैम इट्स बिकम इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव बेसिक नॉलेज अबाउट द थिंग्स विच लीड टू दीज कैलामिटीज. ठीक है, हम इसके कॉजेज देखने हैं और हमें इसके कुछ इफेक्ट्स देखने हैं और इससे क्या प्रॉब्लम हुई है हमें कुछ नॉलेज लेनी है विच विल लीड टू दीज कैलामिटीज. कुछ बेसिक नॉलेज मैं आपको दूंगी अबाउट द थिंग्स जिससे ये नेचुरल कैलामिटीज हो. नेचुरल हैपनिंग्स आर इनवेटेबल, इट इज डिफिकल्ट टू स्टॉप देम, बट वी कैन एटलीस्ट एम्प्लॉय सम सेफ्टी मेजर्स सो दैट वी आर एबल टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ ड्यूरिंग द टाइम दे अकर. ठीक है, हमें कुछ सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए एट द टाइम वैन दे अकर. ठीक है, वो सब चीजें आपको इस चैप्टर में पता चलेंगी. अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें, वेन एवर पीपल केम अक्रॉस एनी नेचुरल प्रोसेस वी यूज टू कंसिडर एट इज पैरानॉर्मल. ठीक है, पहले जब कुछ भी नेचुरल प्रोसेस होता था जो एंशियंट लोग होते थे वो इसको पैरानॉर्मल कंसिडर करते कि ये नॉर्मल बात. ठीक है, दे ब्लेम एनी ऑफ सच हैपनिंग्स लाइक लाइटनिंग अर्थक्वेक और अदर कैलमिटीज आर रथ ऑफ गॉड एज अ रिप्लाई शोइंग डिससेटिस्फेक्शन. वो मांगते थे कि ये रिप्लाई है गॉड का एक तरीके का डिससेटिस्फेक्शन. ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज दे ऑफर चिल्ड्रंस एंड एनिमल एज सेक्रीफाइस टू गॉड विच वॉज एन एवल प्रैक्टिस. उनको नॉलेज तो थी नहीं इतनी, तो वो क्या करते थे, वो बच्चों को एनिमल्स को ऑफर करते थे सेक्रीफाइस टू गॉड और ये क्या था, एक तरीके का एवल प्रैक्टिस था. Now, with the advances in the field of science and technology, their thinking also evolved as they started investing their time to study physics behind this phenomena. Later on, क्या हुआ कि जब tools का development हुआ, techniques का development हुआ, इन्होंने क्या करा, इन natural activities को realize करना start करा. And in this chapter, we will study about underlying cause of basic calamities. हम इनके effects पढ़ेंगे, basic calamities के cause पढ़ेंगे, that is lightning or earthquake. सबसे पहले मैं आपको लाइटनिंग के बारे में बताऊंगी. देखो, आपने रेनी सीजन के टाइम पे आप देखते हैं स्काई में स्पार्क ऑफ लाइट दिखाई. ठीक है, दीज स्पार्क्स आर रिजल्ट ऑफ फिजिकल फिनोमिना एंड दिस एटमोसफेयर फिनोमिना बेसिकली किसके साथ आता है, थंडर स्टॉर्म के साथ. नाउ स्टार्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, अबाउट 25 ईयर अगो अ ग्रीक नेम थेल्स फाउंड दैट व्हेन अ पीस ऑफ एम्बर वॉज रब्ड विद फर इट अट्रैक्टेड स्मॉल pieces of feathers, straw, leaves and dust. And today, ये जो material है जैसे आपके plastic, glass, hard rubber, ये आपको same effect दिखा. ठीक है, next topic is electrical charge. देखो, आप अपने hair को calm करते हो जब वो dry हो. ठीक है, और जब calm को आप bit of piece of paper पे लगाएंगे तो चिपक जाता है. आप क्या observe करते हो कि जो calm है वो attract करता है bits of paper को. ये किसकी वजह से होता है, it is basically root of charge जो transfer हुआ है from hair to the और द प्रेजेंस ऑफ दिस चार्ज क्या है, वो अट्रैक्ट करता है इन पीसेज ऑफ पेपर. द क्वेश्चन वी शुड नाउ कम टू योर माइंड इज फ्रॉम वेयर दीज पेन चार्जेस ओरिजिनेटेड एंड व्हाट एक्चुअली दीज चार्जेस आर. यू नो दैट ऑल द मैटर इन द यूनिवर्स इज मेड फ्रॉम स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज एटम. इनसाइड द एटम्स देयर आर फर्दर स्मॉल पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के. ठीक है, जो आपके एटम्स हैं उनके अंदर जो छोटे छोटे और पार्टिकल्स हैं, एटम्स के अंदर और छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं. क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. जो प्रोटोन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं. अगर हम बात करें प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन की, बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है. ठीक है, न्यूट्रॉन्स हैव ऑन चार्ज ऑन देम ग्रेजुएट नंबर ऑफ प्रोटोन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इज सेम विद एन एटम. देयरफॉर जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. जो एटम है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इंक्रीजेस बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन टू इट, एटम्स बिकम नेगेटिवली चार्ज. इवेंचुअली क्या होता है,
आपका मैटर होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है. व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम डिक्रीजेस बाय ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. नाउ हाउ एन ऑब्जेक्ट मैटर गेट्स चार्ज, एज वी हैव डिस्कस प्रीवियसली दैट एन एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है, एंड दिस मेक्स द मैटर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज वेल. Whenever we give electrons to an atom, it becomes negatively charged. And when we take electrons from the atom, जब हम उसे लेते हैं, तो positively charged. This charging of atoms takes place in three different processes. देखो तीन different process है जिसकी वजह से होता है, charging by friction, charging by conduction और charging by induction. सबसे पहले हम बात करते हैं charging by friction. ये क्यों होता है? ड्यू टू रबिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ईच अदर. जब हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं एक आगे पीछे, द फ्रिक्शन बिटवीन देम लीड्स टू द ट्रांसफर ऑफ वन टाइप ऑफ चार्ज. वी डिफाइन पॉजिटिव चार्ज अ चार्ज विच अपीयर्स ऑन द ग्लास रोड व्हेन इट इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, जब इस सिल्क क्लॉथ के साथ रब हो. सिमिलरली वी डिफाइन नेगेटिव चार्ज अ चार्ज विच अपीयर्स ऑन द एबनाइट रोड व्हेन इट इज रब्ड विद वुलन क्लॉथ, जब उसको आप वुलन क्लॉथ से रब करते हो तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज है. जब दो ग्लास रॉड और दो एबनॉइड रॉड को हम एक दूसरे के क्लोज लेके आते हैं तो वो क्या करती है, रिपेल करती है. देखो क्या कर रही है, रिपेल को. और जब भी आप ग्लास रॉड को और एबनॉइड रॉड को क्लोज लाओगे तो वो अट्रैक्ट करती है. ठीक है, वो क्या करती है, अट्रैक्ट करती है. और दोनों ग्लास होंगे तो क्या करेंगी, रिपेल करेंगे. दिस लीड्स टू कंफ्यूजन दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते. लाइट चार्जेस रिपेल और अनलाइट. नाउ चार्जिंग बाय कंडक्शन, एज यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लास दैट कंडक्शन इज द प्रोसेस इन विच एनर्जी और मैटर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट. जो एनर्जी है वो ट्रांसफर्ड होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे, एंड व्हेन दे आर इन फिजिकल कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, और जब भी वो फिजिकल कॉन्टेक्ट में. व्हेन अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद मेटल बॉडी विच इज नॉट चार्ज, जो चार्ज होता है वो ट्रांसफर कर जाता है अनचार्ज मेटल बॉडी से और उसको कैसा बनाता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज बनाता है. द अबव फिगर शोज दैट व्हेन अ ग्लास रॉड इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद मेटल स्फीयर, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द स्फीयर गेट ट्रांसफर टू रॉड. जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने ट्रांसफर हो गए, रॉड पे ट्रांसफर. इससे क्या होता है, जो डेंसिटी होती है पॉजिटिव चार्ज की ग्लास पे, इससे क्या होता है, इंक्रीज होता है नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज. और जो अनचार्ज मेटल है स्फीयर का वो चार्ज हो जाता है व्हेन द ग्लास हैविंग चार्जेस इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद इट. इस चार्जिंग को क्या कहा जाता है, कंडक्शन कहा जाता है. नाउ चार्जिंग एंड इंडक्शन टेक प्लेस विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन टू बॉडीज व्हेन अ चार्ज बॉडी हैविंग नेगेटिव चार्जेस कम क्लोज टू अनचार्ज बॉडी. ठीक है, जब चार्ज बॉडी जो होती है वो अनचार्ज बॉडी के क्लोज कॉन्टेक्ट में आ जाती है, जो सेंटर होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का वो सेपरेट हो जाता है. क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है. ठीक है, एंड कमिंग क्लोज टू नेगेटिवली चार्ज एक्सटर्नल बॉडी, जो नेगेटिव चार्ज है अनचार्ज बॉडी का वो मूव करता है फर्दर एंड पे. किसकी वजह से, ड्यू टू रिपल्सन. ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू रिपल्सन. नाउ डिटेक्शन ऑफ चार्जेस, वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट चार्ज मेटल ऑब्जेक्ट ट्रांसफरिंग चार्ज टू वन अदर ऑब्जेक्ट. ठीक है, वो किसके थ्रू करते हैं, कंडक्शन के थ्रू. और जो फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेज हैं जिनको हम यूटिलाइज करते हैं, एक स्पेशल डिवाइस है जो डिटेक्ट करती है चार्जेस को, इसे क्या कहा जाता है, जो डिवाइस जो डिटेक्ट करती है चार्जेस को, उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्कोप. नाउ कंस्ट्रक्शन, एंड इलेक्ट्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ फाइन मेटल रॉड, वन ऑफ द रॉड हैज टू स्ट्रिप्स परफेक्टली ऑफ गोल्ड. ये जो अरेंजमेंट होता है ये जनरली इंसुलेटेड होता है इन अ जार विद द वैक्यूम कॉइल. When a conductor comes in contact with metal rod, it transfers the charges to it. और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, चार्जेस के ट्रांसफर को जब हम करते हैं उसको आता है डिस्चार्ज. और जो मेटल रोड है वो ट्रांसफर करती है इन चार्जेस को ऑन द रिपेल, एंड वी कैन कंक्लूड द प्रेजेंस ऑफ चार्ज. वो हम कंक्लूड कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ चार्ज. इफ वी टेक अनदर मेटल वायर एंड कनेक्ट वन एंड विद द स्ट्रिप्स टू एन इलेक्ट्रोस्कोप अनदर एंड विद द सर्फेस ऑफ द अर्थ, जो ऑल द चार्जेस है वो किधर चला जाएगा, अर्थ की तरफ चला जाएगा. और जो आपकी मेटल के स्ट्रिप्स है वो दोबारे कहाँ जाएंगी, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगी.
इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, जो चार्ज है वो फ्लो डाउन टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसे क्या कहा जाता है, अर्थिंग। क्या कहा जाता है, अर्थिंग कहा जाता है। नाउ फिजिक्स बिहाइंड लाइटनिंग, अब कुछ फिजिक्स भी होती है, अब कुछ फिजिक्स भी होती है बिहाइंड द लाइटनिंग, वो फिजिक्स क्या है। लेट अस नो बैक एंड अंडरस्टैंड द नेचुरल फिनोमेना ऑफ लाइटनिंग व्हिच इज हाइलाइटिंग द चार्ज। एज सीइंग लाइटनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल विजुअल अट्रैक्टिव नेचर, ये जो फिनोमेना है ये बहुत ज्यादा डेंजरस है ह्यूमन के लिए। और जो टेम्परेचर है लाइटनिंग का वो बोल्ट इज हॉटर देन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ज्यादा गर्म है एज कम्पेयर टू सर्फेस ऑफ द। अब जब थंडर स्टॉर्म आता है आपको विग्रेस मूवमेंट दिखाई देती है एयर करंट्स की, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो सेपरेट हो जाती हैं विद दिस मूवमेंट। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, दिस प्रोसेस स्टिल एल्यूजिव, ठीक है। एंड द पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट नियर द अपर एज ऑफ द क्लाउड एंड द नेगेटिव चार्ज कलेक्ट द लोअर एज। देखो जो पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो अपर एंड पे होता है कलेक्ट, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो लोअर एज। विद द स्पेन ऑफ टाइम द अमाउंट ऑफ चार्जेस कीप्स ऑन accumulating when the number of charges exceeds beyond the amount which can be tolerated by the air. अगर जो charges होते हैं जितना air tolerate कर लेते हैं उससे ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, अगर charges उससे ज्यादा हो जाते हैं तो जो उसकी insulating property है वो इसको loose कर देती है और वो conducting start कर देती है। And the effect on which can be seen as electric lightning, और जो lightning अगर होती है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू सडन मूवमेंट ऑफ चार्ज। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। नाउ डिसएडवांटेज ऑफ लाइटनिंग, इनके इट कैन डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टीज इन लाइफ, इट मीन्स ये बहुत ज्यादा फैटल भी हो सकती है, ठीक है। एडवांटेजेस की बात करते हैं, इससे कॉम्बिनेशन होता है एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन का विद हाइड्रोजन, और ये क्या फॉर्म करते हैं, ये अमोनिया फॉर्म। ये ऑल्सो अलाउ करता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड ओजोन, जो सोलर रेडिएशन को प्रोटेक्ट करती है और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को अर्थ पे आने से रोकती है। लाइटनिंग सेफ्टी, व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक द अर्थ इट कैन बी एक्सट्रीमली डेंजरस, लाइटनिंग ऑफ्टन स्ट्राइक टॉल बिल्डिंग्स एंड ट्रीज, ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन स्पेसेस सेफ। जब देखो जब लाइटनिंग हो रही है, थंडरस्टॉर्म हो रहा है, तो कोई भी ओपन स्पेस सेफ नहीं है किसी का, ठीक है। कुछ आपको अलर्ट और कुछ मेजर्स लेने चाहिए अपने आप को सेफ रखने के लिए। जैसे ही आपको थंडर की आवाज सुनाई देती है आपको अलर्ट होना चाहिए और आपको किधर की तरफ रश करना है, सेफर प्लेस की तरफ, ठीक है। ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म वेट अंटिल यू सी अ फ्लैश ऑफ लाइटिंग, इफ यू स्टार्ट टू काउंट स्लोली द स्टॉर्म इज रफली 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम एवरी कॉम। जो स्टॉर्म जब आप काउंट करना शुरू करोगे, जो स्टॉर्म होता है वो आपसे 1 किलोमीटर दूर। If you see lightning and hear thunder at just about same moment, then the storm should be approaching above you. ये storm आने वाला है, जब आपको thunder, storm, lightning दोनों दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब आपका storm आने। After hearing the last thunder, wait for some time before coming out of safe place. A building or a house is a safe place, so try to remain inside. देखो building है, house है, वो एक safe place है, इसलिए आपको कहाँ रहना है, inside है ना, अंदर रहना। लाइटनिंग कंडक्टर इज डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, और जो लाइटनिंग कंडक्टर है वो एक स्ट्रिप ऑफ मेटल के दो, ठीक है। और जो टॉप एंड है लाइटनिंग का कंडक्टर का, वो पॉइंटेड लाइक अ शार्प स्पाइक्स एंड इट इज फिक्स्ड अबव द हाईएस्ट पॉइंट, और जो लोअर एंड है मेटल स्ट्रिप का वो ज्वाइंट है टू मेटल के, और उसको बरीड करा जाता है डीप इन अंडर द ग्राउंड। इफ द लाइटनिंग स्ट्राइक्स इट विल हिट द टॉप ऑफ द लाइटनिंग कंडक्टर रादर देन द बिल्डिंग, देखो वो टॉप पे ज्यादा इफेक्ट करेगा ना कि बिल्डिंग पे, जो टॉप वाला एरिया होगा उस पर ज्यादा इफेक्ट आएगा, ठीक है। देखो जो इफेक्ट आता है वो ज्यादा कहां आता है, स्पाइक्स पे आता है, ज्यादा ऊपर की तरफ आता है। यू कैन सी दैट लाइटनिंग कंडक्टर फिक्स ऑन मेनी टॉल बिल्डिंग फैक्ट्रीज चिमनीज, लाइटनिंग कंडक्टर जो है वो किसने इन्वेंट करा था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। लाइटनिंग कंडक्टर किसने इन्वेंट करा था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट इज अर्थक्वेक, लाइटनिंग हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक एक सडन शेकिंग होती है, हमारे जो अर्थ है वो फिलने लग जाती है, ठीक है। दैट लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, अर्थक्वेक इज कॉज बाय वायलेंट मूवमेंट ऑफ रॉक, जब अर्थ क्या कर रही है, मूव कर रही है इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, उसे क्या कहा जाता है, शेकिंग ऑफ द अर्थ। अर्थक्वेक कैन कॉज इमेंस डैमेज टू हाउसेस अदर बिल्डिंग्स ब्रिजेस डैम्स पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल गेट किल्ड एंड दे बरीड अंडर द डेब्रिस ऑफ कोलैप्स हाउस एंड अदर बिल्डिंग ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक से आपके फ्लड्स भी हो जाते हैं, लैंडस्लाइड्स भी हो जाते हैं, सुनामीज भी हो जाते हैं। देखा होगा ना,
आर्ट तो इतने टाइम पे बहुत लोग मर जाते हैं, ठीक है, आप बिल्डिंग के मलबे के अंदर दब के मर जाते हैं, ठीक है, ये सब है। एक मेजर अर्थक्वेक आया था 26 जनवरी 2001 में भुज डिस्ट्रिक्ट और गुजरात में, इसमें बहुत लोग मरे। और एक आया था 8 अक्टूबर 2005 में उरी में और तंगहार टाउन्स ऑफ नॉर्थ कश्मीर, ठीक है, यहाँ पे भी बहुत ग्रेट लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी हुई थी दोनों वर्ल्ड में, ठीक है। और कुछ मेजर सुनामी जो कॉज हुई थी बाय द अर्थक्वेक इंडियन ओशन में, ऑल द कोस्टल एरियाज अराउंड द इंडियन ओशन सफर ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ, देखो बहुत ज्यादा लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी हुआ था जब ये सुनामी आई थी 2004 में। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाई अर्थक्वेक अकर्स, ठीक है, पहले हमें इसका इनर स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा जिसमें आपके क्रस्ट मेंटल कोर होता है, ठीक है। कॉज की बात करते हैं, इंडिया इज अ करंट कंट्री सराउंडेड बाय मिथ्स एंड बिलीव्स लाइक लाइटनिंग, पीपल बिलीव दैट अर्थक्वेक आर कॉज ड्यू टू सुपर नेचुरल एक्टिविटीज विच आर बियॉन्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस, बट विद द एडवेंट टू टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक थिंकिंग फिजिक्स टू आर एबल टू एनालाइज द एक्चुअल कॉज। फिजिक्स थे उन्होंने क्या करा इसका एक्चुअल कॉज बताने की बहुत कोशिश करी, लेकिन यू मस्ट हैव स्टडीड इन ज्योग्राफी दैट अर्थ हैज डिफरेंट लेयर, तीन लेयर हैं हमारे अर्थ की, दैट इज क्रिस्टल क्रस्ट मेंटल एंड कोर, ठीक है। क्रस्ट क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है एंड इट इज जैसा आपको मैंने भी आपको पिक्चर में दिखाया था, ये भी आपकी क्रस्ट, ये आउटर मोस्ट लेयर है क्रस्ट, फिर अंदर वाली है मेंटल एंड दिस इज कोर। कोर भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, आउटर कोर और इनर, ठीक है। द क्रस्ट इज नॉट प्रेजेंट एज अ सिंगल लेयर, इट इज डिवाइडेड इनटू ह्यूज पीसेस रेफर टू इट्स प्लेट व्हेन द प्लेट्स मूव अगेंस्ट ईच अदर, देखो जब प्लेट्स है आपकी वो मूव करती हैं, भाई आपकी प्लेट्स है ये मूव कर रही है अगेंस्ट ईच अदर, ये क्या कर जाती है कोलाइड कर जाती है विद ब्रूट फोर्स, भाई आप गई ये फोर्स है ये गई तो ये क्या कर जाती है ये कोलाइड कर जाती, भाई ये फोर्स लगी ठीक है कोलाइड कर जाती है, ये कोलाइड कर जाती है एंड विद ह्यूज फोर्स एंड आर डिस्टर्ब नेचुरल ह्यूमन एक्टिविटी, आपका इसका जो इफेक्ट है वो दिखाई देगा, वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है और यहीं पे क्या हो जाता है आपके बहुत सारे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम रिजल्टेंट अर्थक्वेक टेक्टोनिक की जो मूवमेंट है उससे क्या होता है, देखो फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है माउंटेन्स होता है, देखा ना वॉल्केनिक माउंटेन्स बन जाते हैं, उससे जाता है पार्ट और उससे क्या बन जाता है वॉल्केनिक माउंटेन्स। The earthquake occurred when a moving plate of the earth crust light past one other or collides with one another. या तो एक के ऊपर पास हो गई या कोलाइड हो गई, ठीक है। The plate of the earth crust are made up of huge rocks having rough edges. When the two huge plates of the earth crust light past one other, they rub against one other ferociously and rocks of their edges get entangled. Entangled की वजह से at their edges the two crust plates stop moving at the same time. और ये pressure build कर जाती हैं, ठीक है। एंड व्हेन द इंटेंगल्ड रॉक्स ऑफ द टू क्रस्ट प्लेट्स ब्रेक ओपन सडनली विद अ बिग जोल्ट द अर्थक्वेक अकर्स, उससे जाता है ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो, और जो सडन रिलीज है अमाउंट ऑफ एनर्जी का इससे शॉक्स वेव्स और सेस्मिक जो वेव्स होती है वो अर्थक्वेक को शेक करती है, ठीक है। नाउ व्हेन टू प्लेट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन कोलाइड विद ईच अदर, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो कोलाइड करती हैं एंड विद ईच अदर एंड द एंड्स ऑफ द क्रस्ट प्लेट बकल एंड फोल्ड फॉर्मिंग न्यू माउंटेन्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया भाई देखो फोल्ड हो गई ना ये ऊपर की तरह चली गई, तो इसने यहाँ पे क्या बना लिया, इसने यहाँ पे क्या बना लिया फोल्डेड माउंटेन बना लिया, क्या बना लिया फोल्डिंग माउंटेन्स, ठीक है। नाउ दिस ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी सेंड शॉक वेव्स टू सेव सेस्मिक वेव्स, व्हेन द शॉक वेव्स रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ ग्राउंड जो होता है वो शेक करना स्टार्ट कर देता है और हमें जो शेकिंग फील होती है हम कहते हैं अर्थक्वेक। नाउ सेस्मिक जोन और फोल्ड जोन, द वीक जोन ऑफ द अर्थ क्रस्ट दैट आर मूव प्रोन टू अर्थक्वेक उन्हें हम सेस्मिक जोन्स कहते हैं, और आपको जो अर्थक्वेक बेल्ट है वो प्रोन सेस्मिक जोन्स की तरह डिफाइन करते हैं, और जो सेस्मिक जोन्स होती है मार्क द एड्रेस ऑफ ह्यूज मोबाइल पीसेज ऑफ द अर्थक्वेक। इन इंडिया मोस्ट थ्रेटन्ड बाय द अर्थक्वेक आर कश्मीर,
सबसे ज्यादा जो अर्थक्वेक आते हैं वो कश्मीर में आते हैं, वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय में आते हैं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में आता है, रन ऑफ कच्छ, राजस्थान, इंडो गंगेटिक प्लेन और कुछ साउथ इंडिया के भी एरियाज में फॉल्ट है। सिस्मोग्राफ, अर्थक्वेक ट्रिमरस प्रोड्यूस शॉक वेव्स कॉल्ड सिस्मिक वेव्स, और जो शॉक वेव्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं डायरेक्शन टू द अर्थ और वो अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाते हैं। और जो सिस्मोग्राफ है एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जो किसको मेजर करता है, रिकॉर्ड्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ। सिस्मोग्राफ जो होता है वो अर्थ के मैग्नेटिक को बताओ। सिस्मोग्राफ डिपेक्ट्स द शॉक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द अर्थक्वेक एंड ऑल्सो रिकॉर्ड शॉक वेव्स ऑन द पेपर इन अ फॉर्म ऑफ सिस्मोमीटर। देखो सिस्मोमीटर पे बताता है, लेकिन ग्राफ आपको दिख रहा होगा ऐसे ऐसे, ठीक है ये बता। अब मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग ऑफ सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ वर्क कैसे करो। नाउ लेट स्टार्ट विद वर्किंग ऑफ सिस्मोग्राफ। व्हेन एन अर्थक्वेक अकर्स द अर्थ स्टार्ट शेकिंग, ड्यू टू व्हिच द बेस ऑफ सिस्मोग्राफ फिक्स टू द अर्थ ऑल्सो स्टार्ट शेकिंग। जैसे ही आपका अर्थ शेक करना स्टार्ट करता है तो जो बेस होता है जो आपका अर्थ से फिक्स होता है वो भी शेक करना स्टार्ट कर देता है। बट फ्रीली सस्पेंडेड हैवी वेट एंड द पेन अटैच टू इट डू नॉट शेक ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, वी रिमेन स्टेशनरी। लेकिन जो पेन होता है ठीक है वो हिलता नहीं है, वो स्टेशनरी रहता है। एंड सिंस द ग्राफ पेपर ऑन रोटेटिंग दम शेक्स विद द शेकिंग द अर्थ, द पेन अटैच टू सस्पेंडेड वेट रिकॉर्ड्स द वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय द अर्थक्वेक ऑन द ग्राफ पेपर। ठीक है, जो ग्राफ पेपर पे जैसे वो शेक कर रहा है तो शो करता है एंड द पेन ट्रेसेस द रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द शेकिंग द अर्थ एंड द स्टेशनरी सस्पेंडेड हैवी। दिस ट्रेस ऑन द ग्राफ पेपर रिकॉर्ड्स द अर्थक्वेक, और जो सिस्मोग्राफ है वो किसको रिकॉर्ड करता है, सिस्मोग्राम। बाय स्टडिंग द सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड्स ऑफ एन अर्थक्वेक प्रोड्यूस एट वेरियस सिस्मिक स्टेशन, साइंटिस्ट कैन कंस्ट्रक्ट अ कंप्लीट मैप ऑफ एन अर्थक्वेक और वो किस गिविंग इट्स फोकस एपिसेंटर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। वो आपको फोकस भी बताता है ठीक है, कहाँ पे वो शुरू हुआ है, ये क्या है फोकस, और ये ऊपर वाला क्या होता है हमारा एपिंग सेंटर, ठीक है एपी सेंटर ही बताता है कहाँ पे। नाउ रिक्टर स्केल की बात करते हैं, ये अर्थक्वेक की इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड बताता है ठीक है। और रिक्टर स्केल पे नंबर 1 to 12 होता है जिससे हम मैग्नीट्यूड को बताते हैं, और जो 1.5 ऑन द रिक्टर स्केल, जो 1.5 है वो सबसे स्मॉलेस्ट है एंड अर्थक्वेक जिसका मैग्नीट्यूड 2 इज 10 टाइम स्ट्रॉन्गर। द अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 3 ऑन रिक्टर स्केल इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर एज एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 1 ऑन द सेम स्टेज। नाउ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अर्थक्वेक, भाई कुछ प्रोटेक्शन भी हमें करनी चाहिए एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक, और हम आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे इट मे कॉज लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। नाउ अर्थक्वेक आर हाईली डिस्ट्रक्टिव, आप इनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने ठीक है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन दैट कैन बी टेकन बाय द पीपल लिविंग इन सेस्मिक जोन आर, ऑल द हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग इन सेस्मिक जोन शुड बी डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे दैट दे कैन विदस्टैंड मेजर अर्थक्वेक डैमेज। ठीक है, ऐसा भी अर्थक्वेक आ जाए बिल्डिंग और हाउसेज को इस तरीके से बनाना है, इस तरीके डिजाइन करना है कि वो उसको झेल। In highly seismic area, the use of mud and timber for building house is better than using heavy construction material. ठीक है, जहाँ पे highly seismic area लोगों को वहाँ पे mud का use करना चाहिए, वो timber का use करना चाहिए, ना कि heavy material. ठीक है, और जो roof of the house होती है उनको light रखना चाहिए, क्योंकि जब अगर वो गिर भी जाए तो damage will not be too much. अगर वो गिर भी गई तो जो damage होगा वो ज़्यादा नहीं होगा। The cupboard and the sand should be fixed on the wall so that they do not fall easily when shaking occurs during the earthquake. Glass bottles should not be placed on high shelves. ठीक है, and heavy object को आपको low ground के पे रखना है। ठीक है, heavy object को ऊपर नहीं रखना है, क्योंकि अगर वो earthquake वैसे गिरेंगे तो किसी को harm कर सकते। The objects such as heavy mirror, photo frames, wall clocks, and water heaters should be mounted securely on the wall of places and they do not fall on the people in the house. इन द इवेंट ऑफ अर्थक्वेक, क्योंकि वो गिर ना जाए किसी के ऊपर, आपको उसके वॉल्स पे या क्लॉक वगैरह को हटा देना चाहिए, रख देना चाहिए। ऑल बिल्डिंग स्पेशली टॉल बिल्डिंग शुड हैव फायर फिटिंग इक्विपमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, फ्लैट्स होते हैं, वहाँ पे फायर फिटिंग आपको देख लीजिए, एक्सटिंग्विशर होते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ अर्थक्वेक अगर देयर शुड टेक फॉलोइंग प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ डिपेंडिंग अपॉन यू आर एट होम आउटडोर एट दैट मोमेंट।
आप कहाँ पे हो, घर में हो या बाहर हो, उस मूवमेंट को डिपेंड करता है। नाउ इफ यू आर एट होम व्हेन एन अर्थक्वेक अकर्स देन, अगर आप घर पे हो तो आपको क्या करना है, या तो पहला क्या है, यू शुड टेक शेल्टर अंडर स्टडी टेबल किचन काउंटर एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग ड्यू टू अर्थक्वेक स्टॉप्स, और आपको अपने हैंड्स हेड को हैंड से कवर करना। नेक्स्ट इज यू शुड स्टे अवे फ्रॉम टेलर हैवी ऑब्जेक्ट, स्टील अलमीरा, कैबिनेट, बुक शेल्फ जो होती हैं, रेफ्रिजरेटर, इनसे दूर रहना। यू शुड ऑल्सो स्टे अवे फ्रॉम ग्लास विंडो, ठीक है, वाइब्रेशन की वजह से बहुत बार होता है वो टूट जाता है, ठीक है। इफ यू आर इन बैड यू शुड जस्ट मूव ऑन टू बैड टू क्लोज टू द वॉल बट नॉट टू गेट अप फ्रॉम द बेड। यू शुड प्रोटेक्ट योर हेड विथ पिलो, आप अपने हेड को पिलो से प्रोटेक्ट करें, ठीक है। इफ यू आर आउटडोर व्हेन अर्थक्वेक बर्स, यू शुड स्टे एट अ क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग ट्रीज एंड ओवर हेड पावर लाइन्स, ठीक है। आपको बैग जाना है गाँव पे, ठीक है, जो पावर लाइन्स होते हैं उससे दूर रहना है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग से दूर रहना है। इफ यू आर इन अ कार और बस, यू शुड नॉट कम आउट ऑफ इट, द कार और बस शुड बी ड्रिवन स्लोली टू अ क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग ट्रीज और वन हेड इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उन सबसे भी दूर होने चाहिए। ये कुछ प्रिकॉशंस मैंने आपको बताया आप अर्थक्वेक के टाइम पर ले सकते हैं, अगर आप घर में हो या घर से बाहर, ठीक है। चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, नाउ वी विल स्टार्ट विद अ चैप्टर एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर की। सेक्शन ए अंडरस्टैंडिंग स्केल, टिक द करेक्ट ऑप्शन, एनी सर्टन मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ अर्थक्वेक को क्या कहा जाता है, अर्थक्वेक, एंड द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर। Pieces of paper get attached due to electric force, magnetic or magnetics. Lightning conductor save the building from earthquake via electric lightning, volcanic mishaps, flood, या फिर volcanic eruption. Intensity of earthquake is measured by, इससे measure की जाती है seismograph से measure. Now fill in the blanks. डैश प्रिवेंट्स द बिल्डिंग फ्रॉम डैमेज ड्यू टू लाइटनिंग, तो कौन करता है, दैट इज लाइटनिंग कंडक्टर। अर्थक्वेक रिजल्ट्स ड्यू टू मूवमेंट ऑफ, अर्थक्वेक किसकी वजह से आता है, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। A balloon gets electrically charged on rubbing with dry air by the process of, किस process से, किस process से होता है, by the process of the point on the surface of the earth where seismic waves originate is known as epicenter. Dash eruption are the major cause of earthquake, that is volcanic eruption. Next is state true false. Seismology is a science of study of solar activity. It's false. Unlike charges attract each other, air can conduct electricity. Silk gets positively charged. The outermost layer of the earth is called cast, it's true. Now, let's start with section B. Write the answer in one word. Name the device जिसको हम use करते हैं to detect charge of an body. आपको दो तरीके के charge बताने हैं, positive charge और negative charge. What do you mean by lightning? What do you mean by earthquake? Earthquake क्या होता है? And what is fault zone? Next is write short answer type question. Name the scales that measure the magnitude of the earthquake. That is Richter scale. What do you mean by lightning conductor? Lightning conductor क्या होता है? And next question is define focus. आपको focus और epicenter को define करना है. What is static electricity? And what do you mean by Richter scale? Long answer. Explain the structure of the earth with the help of diagram. Next is what do you mean by seismograph? Seismograph क्या होता है? उसका construction आप बता सकते हैं, working बना सकते हैं. Explain the working of the electroscope. आपको इस electroscope की working बतानी है. How does a lightning conductor protect a tall building? Being the scientist जिसने invent करा था lightning conductor को and gives some hazards of earthquake. कुछ hazards बताएंगे आप earthquake के, क्या hazards हैं?
ठीक है, चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड, हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.